अस्सलाम वालेकुम, जॉब्स इंफॉर्मेशन एंड कैडर्स के चैनल खुशामदीद। साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में पूरे पंजाब के लिए 38 ज़बरदस्त वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हुई है। मेल फीमेल पर पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपकी एजुकेशन मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक की है और आपके पास डिप्लोमा है डिफरेंट फील्ड में, तो आपके पास एक ज़बरदस्त मौका है कि आप साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल पर अप्लाई करें। पंजाब भर से अप्लाई करने के अलावा आपने इसका जॉब एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, इसका मुकम्मल आसान तरीका आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो एंड तक जरूर वॉच करें। इसके अलावा आप मेरे चैनल जॉब्स इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस भी विजिट कर सकते हैं। इस पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी बैंक रिलेटेड फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जॉब्स पर वीडियो भी अपलोड की हुई है। भी अप्लाई करने का मुकम्मल आसान तरीका मैंने डिटेल में बताया हुआ, इन वीडियोज़ को भी आप जरूर वॉच करें। देखते हैं आज का जॉब एडवर्टाइजमेंट। साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में वैकेंसी की अनाउंसमेंट हुई है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यह वैकेंसी की अनाउंसमेंट हुई है 3 ईयर्स के लिए, जो परफॉर्मेंस बेस पर एक्सटेंड कर दी जाएंगी। पहली जॉब वैकेंसी देख रहे हैं, जूनियर टेक्नीशियन पैथोलॉजी 9 स्केल है। टोटल 2 वैकेंसी से 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगर तो आप फीमेल हैं तो आप 18 से 35 साल यानी कि 10 साल की आपको एज रिलैक्सेशन मजीद मिलेगी। अगर तो आप मेल हैं तो आपको 7 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मजीद मिलेगी यानी कि आप 18 से 32 साल तक इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए अप्लाई करने के लिए आप FHE सेकेंड डिवीजन पास हो। इसके अलावा आपके पास 1 या 2 ईयर्स का डिप्लोमा हो रेलिवेंट फील्ड में। अगर तो आपके पास FHE नहीं है तो आपके साथ मैट्रिक सेकेंड डिवीजन विद साइंस हो और आपके 1 या 2 ईयर का आपका डिप्लोमा हो रेलिवेंट फील्ड में। जूनियर टेक्नीशियन सर्जिकल सेम यही एजुकेशन है। जूनियर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग 6 वैकेंसीज हैं, सेम एजुकेशन। जूनियर टेक्नीशियन डेंटल 1 वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन कार्डिक की 2 वैकेंसीज हैं। ड्रेसर की 6 वैकेंसीज हैं। एजुकेशन आप सबके लिए सेम होनी चाहिए, डिप्लोमा आपका डिफरेंट होगा। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की 12 वैकेंसीज हैं। इंटरमीडिएट आप पास हो प्लस MS ऑफिस या ICS आप पास हो विथ 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपके पास हो। अल्मोनर की 1 वैकेंसी है। इंटरमीडिएट आप पास हो या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन आपकी हो और एटलीस्ट 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटेंसी या ट्रेजरी वर्क के अंदर। कैशियर की 1 वैकेंसी है। आप ग्रेजुएशन पास हो। रिसेप्शनिस्ट की टोटल 6 वैकेंसी हैं। मैट्रिक आप पास हो और प्रेफर उनको किया जाएगा जो कंप्यूटर लिटरेट हो यानी कि कंप्यूटर का वर्क जानते हों। टर्म एंड कंडीशन देख लें, बहुत मेल फीमेल जो पंजाब को डोमिसाइल रखते हैं उन पर अप्लाई करेंगे। अपॉइंटमेंट जो आपकी होगी 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी, जो परफॉर्मेंस बेस पर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। आपने अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन आपने कैसे लिखनी है वीडियो का आपको एंड में बताऊंगा। उसके साथ अपने तमाम अटेस्टेड कॉपी एजुकेशनल सर्टिफिकेट के, जैसे कि मैट्रिक, FSC, डिग्री, डिप्लोमा, डोमिसाइल की कॉपी, SNSE कॉपी, वर्क एक्सपीरियंस कोई है तो, और 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने अटैच करनी है। जितने भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करने की कोशिश करें वो अटेस्टेड होने चाहिए। वो आपने इस एड्रेस पर भेज देने हैं, ऑफिस ऑफ दिस मेडिकल स्टूडेंट, साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल, साहिवाल। अगर तो आपके पास ओ या ए लेवल है तो आप इक्वलेंस सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट करेंगे। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने वहाँ पे असल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने हैं। एज रिलैक्सेशन में आपको जैसे ऊपर बताया था कि फीमेल्स को 10 साल की एज रिलैक्सेशन उसमें मजीद मिलेगी और मेल्स को 7 साल की। रिक्रूटमेंट जो आपकी होगी प्योर मेरिट के बेस पर होगी। गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं थ्रू प्रोफेशन अप्लाई करें। लास्ट डेट से आप पहले पहले अप्लाई करें। आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स इस एड्रेस पर सेंड कर देने हैं, स्टेशन ब्रांच साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल, 1 नवंबर 2023 तक। टेस्ट और इंटरव्यू के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को अलग अलग बताया जाएगा। आपने इस जॉब की जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, उसे डाउनलोड करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने सेम ऐसे लिख लेनी है। इस जॉब का मैं लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड करके सेम ऐसे टाइप भी कर सकते हैं, ऐसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। टू दी आपने सेम ऐसे करना है, मेडिकल स्टूडेंट स्टेशन ब्रांच साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल। एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट, यहाँ पे अपने पोस्ट का नाम लिखना है जिस पर आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर स्केल लिखेंगे, सेम यहाँ पे भी आप अपने पोस्ट और स्केल का नाम लिखना है। नेम में अपना नेम यहाँ पे अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, कंप्यूटर कोर्सेज हैं कोई आपके पास, स्किल्स हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो फील्ड आपसे रिलेटेड नहीं आप उसे खाली छोड़ दें। अपना सेल नंबर, एड्रेस कंप्लीट लिखें और एक्सपीरियंस को या तो लिख दें, अदरवाइज को नील कर दें। यहाँ पर डेट डाल दें, ऊपर अपना नेम, नीचे फादर का नेम लिखे, आपने सिग्नेचर करना है और इसके साथ तमाम अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके आपने इसी एड्रेस पे सेंड भी कर देने हैं। मेडिकल स्टूडेंट स्टेशन ब्रांच साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल। अच्छा जी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई ऐसी सुबाई या वफाकी गवर्नमेंट की जॉब अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको बड़क मौसू सके। इसके अलावा अगर आपको अप्लाई करने में या एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने में कुछ होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।